सभी को जय शिव। मैं मनीषा टेटे दुर्गापुर पैरिस से आपके सामने इस कोरोना काल में हमें सुरक्षित रखने के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए दो शब्द कहना चाहती हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं कि साल 2019 से 2020 तक हम कोरोना से इस महामारी से गुजर रहे हैं और इस महामारी की वजह से कई लोगों की जानें चली गई है। इस महामारी ने न अमीरी या गरीबी को देखकर सभी को अपने चपेट में ले लिया है। इस कोरोना काल में अनेक लोग कोरोना से पीड़ित होकर अपनी जान गंवा चुके हैं और अभी भी लोग कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। कोरोना को आए इस दुनिया में 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन यह महामारी दुनिया से जाने का नाम नहीं ले रही है और न हमारा पीछा छोड़ रही है। हम इतने खुशनसीब हैं कि हम इस कोरोना काल में भी सुरक्षित और स्वस्थ हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस कोरोना वायरस के संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी तरह हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि अभी अभी जन्म लेने वाला शिशु जिसे इस दुनिया की फिर से देखने का अवसर भी नहीं मिला है, वह कोरोना से पीड़ित होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। आज हम यहाँ ईश्वर की कृपा से ही इस कोरोना काल में भी सुरक्षित हैं, जिसने हमें हर एक पल सुरक्षित रखा। सिर्फ उसी की कृपा की वजह से आज मैं स्वस्थ और सुरक्षित हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सिर्फ हमारी प्रार्थना ही हमें इस कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करती है। हमें हर समय प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि आगे और कब क्या होने वाला है। सब कुछ ईश्वर पर निर्धारित है, जो हमें हर समय देखता रहता है, और अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी सारी इच्छाएं ईश्वर जरूर पूरी करेगा। और यह सब तभी संभव है जब हम दृढ़ मन से प्रार्थना करेंगे। इसलिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कि इस कोरोना काल में भी उन्होंने हमें सुरक्षित और स्वस्थ रखा। यहाँ मैं अपने दो शब्द समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।